तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स पढ़ी थी कि जीरो ऑर्डर के लिए हमें किस तरह से इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालना है। अब हमें पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ और दूसरा हाफ लाइफ पीरियड। तो शुरुआत करेंगे कैसे करना है, देखिए अगेन वही कि मान लिया हमारे पास कोई रिएक्शन है, आर से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो स्टार्टिंग में जब समय जीरो था, पी इक्वल टू जीरो, तो R क्या रहेगा, R इनिशियल है या इसको मैं R नॉट भी बोल सकता हूं। तो प्रोडक्ट कितना रहेगा, जीरो। शुरुआत में जब आपने रिएक्शन करनी ही शुरू नहीं की तो प्रोडक्ट कितना बना रहेगा, जीरो। अब कुछ समय के बाद, T टाइम के बाद, कुछ सब्सटेंस क्या हो जाएगा, कम। जब कुछ सब्सटेंस कम हो गया तो ये हो गया R नॉट माइनस X। जितना कम हुआ उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट में बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने पिछली बार भी कहा था ये 5 है, ये 3 है, तो कन्वर्ट कितना हुआ, 2, तो 2 यहाँ आएगा। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ये बच जाएगा, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, फ्रॉम रेट लॉ। अब रेट लॉ से अगर मुझे निकालना है तो कैसे करूंगा, माइनस डी आर अपॉन डी टी, जैसे पिछली बार किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। के आर की पावर अल्फा, के यहां पे क्या है, रेट कांस्टेंट, अल्फा क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। जैसे अल्फा इक्वल टू 1 होगा तो आगे देखिए क्या करेंगे, अल्फा इक्वल टू 1 होगा तो यहां डाल दीजिए, यह आएगा माइनस डी आर अपॉन डी टी, ये इक्वल टू के आर की पावर 1। अब इस आर को उठा के यहां लेके आइए, टी को उठा के इधर ले जाइए, तो कितना हो जाएगा, माइनस डी आर, ये इक्वल टू के डी टी। वेरिएबल को सेपरेट करना होगा ना, तो आर उठा के यहां नीचे ले आओ। पिछली बार हमारे पास आर की पावर 0 हो गया था इसलिए आर था ही नहीं, इस बार क्या है, आर है। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट, क्योंकि ये एक इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए रिलेशन बनता है। अब हमें करना है फॉर कंप्लीट रिएक्शन, तो इंटीग्रेटिंग, तो जैसे इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा माइनस डी आर अपॉन आर, ये इक्वल टू के डी टी, इंटीग्रेट कर दीजिए। लिमिट, आर की लिमिट कहां से शुरू हुई है, आर नॉट से, और कहां तक गई है, आर नॉट माइनस एक्स। मैं ऐसा करता हूं कि इस आर नॉट माइनस एक्स को आर फाइनल बोल देता हूं, बाद में हम लोग इसको आर नॉट माइनस एक्स लिख देंगे, लंबा सा हो जाएगा इसलिए कह रहा हूं। तो मैं इसको आर फाइनल बोल देता हूं, यहां आर नॉट है, आप आर इनिशियल आर फाइनल भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, कुछ भी लिखो, यहां आर आई लिख दो, यहां आर एफ लिख दो, ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहां क्या आएगा, आर नॉट, यहां क्या आएगा, आर फाइनल। के डी टी है टाइम की लिमिट, अगेन जीरो से शुरू होगी और कहां तक जाएगी, टी तक जाएगी। अब इसके बाद आगे देखो, अब करना है हमें इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे आपको पता होना चाहिए कि डी आर अपॉन आर है, मतलब 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन है। तो आपको पता होगा कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन अगर मुझे करना है तो वो होता है एल एन एक्स, ln x, ln का मतलब है बेस e होगा, log का मतलब होगा बेस 10। ये केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, फिजिक्स मैथ्स में दोनों के लिए log हम लोग लिख देते हैं, बट ln का मतलब होगा बेस e और log का मतलब है बेस 10। वीडियो के लास्ट में मैं आपको ln और log को कन्वर्ट करना भी सिखा दूंगा, फिलहाल इतना समझ लीजिए। तो अब क्या है कि dr upon r तो ये हो गया और dt का इंटीग्रेशन t आप सब जानते ही हैं, तो क्या करा जाएगा, माइनस आर है तो क्या करा जाएगा, एल एन आर। लिमिट कहां से कहां तक, आर नॉट से लेकर के आर फाइनल, ये इक्वल टू के डीटी का इंटीग्रेशन टी। तो डीटी का इंटीग्रेशन अगर टी होगा कहां से कहां तक जाएगा, टी का हो गया ना, तो जीरो से लेकर टी तक, ये है।
अब इसके आगे देखो कैसे करना है। चलिए अब आगे देखेंगे कैसे करना है। तो ये आएगा माइनस एल एन आर फाइनल और आर इनिशियल है, तो मैंने पिछली बार भी कहा था, फिर बोल रहा हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो आर की जगह पे एक बार लिख दो आर फाइनल, लिख दिया आर फाइनल, माइनस एक बार क्या लिख दीजिए एल एन आर नॉन। ये लॉग सॉल्व कैसे करना है मैं वीडियो के लास्ट में आपको क्लियर कर दूंगा पूरा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार वीडियो के लास्ट तक इसको देखते जाना, फिर थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना, तो आपको समझ में पूरा आ जाएगा। के टी माइनस जीरो ये हो जाएगा। अब लॉग का रिलेशन होता है कि लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए अपॉन बी। ऐसा करते हैं कि इस माइनस को पहले अंदर ले जा लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस एल एन आर फाइनल प्लस एल एन आर नॉट इक्वल टू के टी। अब लॉग ए अपॉन माइनस लॉग बी हो जाएगा, तो ये होगा एल एन आर नॉट अपॉन आर एफ, ये इक्वल टू के पी। ध्यान रखिएगा जो प्लस वाला होगा वो ऊपर जाएगा और जो माइनस वाला है वो नीचे आएगा, ठीक है ना। एक रिलेशन तो आपके पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ का इतना बना। दूसरा रिलेशन क्या होगा कि एल एन को एल ओ जी में कन्वर्ट करना है, बेस ई को बेस 10 में जब कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक रिलेशन तो वो बना, दूसरा रिलेशन देख लीजिए, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर वन। दूसरा रिलेशन क्या हो सकता है कि के टी इक्वल टू 2.303 एल ओ जी लॉग, इसका बेस 10 होगा, आर नॉट अपॉन आर एफ। तो एक रिलेशन ये बना, इक्वेशन नंबर टू। तीसरा रिलेशन देखते हैं, अब थर्ड रिलेशन देखेंगे कैसे बनेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन हम क्या कर सकते हैं कि यहां से आप एल एन आर नॉट अपॉन आर एफ की वैल्यू निकाल लीजिए। तो आर नॉट अपॉन आर एफ, तो जैसे ही मैं इस वैल्यू को निकालूंगा ये वाला किस पर पहुंच जाएगा, ई की पावर में पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा ई की पावर के टी। तो आर नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट इक्वल टू आर एफ ई की पावर के टी। कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ये उल्टा भी लिखा हुआ आता है, इस ई की पावर को इधर भी ले जा सकते हैं, आर नॉट ई की पावर माइनस के टी। तो ये कंफ्यूज मत हो ना कि कब ये दोनों टर्म्स में लिखा हुआ हो सकता है, ए की पावर प्लस के टी भी हो सकता है माइनस के टी भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि इक्वेशन का फॉर्मेशन किस तरह से कर रखा है। इसके अलावा आप यहां देख सकते हैं इसको कैसे करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू, अच्छा वन टू ये हो गया थ्री ये हो गया फोर, अब क्या करेंगे, वन टू थ्री फोर हो गया, अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू हम क्या कर सकते हैं, लॉग की वैल्यू निकाल लीजिए, लॉग आर नॉट अपॉन आर एफ ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, के टी अपॉन 2.303। ठीक है, अब हमें आर नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये सारा काम पहुंच जाएगा 10 की पावर में। तो आर नॉट इक्वल टू या आर नॉट अपॉन आर एफ इसकी वैल्यू किसके इक्वल पहुंच जाएगी, 10 की पावर के टी अपॉन 2.303। इस तरह से इसके अलग अलग फॉर्मेशन हो सकते हैं। फिर आप इसको उठा के इधर ले आइए, तो आर नॉट इक्वल टू आर एफ इंटू इतना, या फिर इसको उठा के इधर ले आओ तो आर एफ इक्वल टू आर नॉट इंटू 10 टू दी पावर, और जो पावर होगी वो माइनस में आ जाएगी। इस तरह से इसके अलग अलग फॉर्मेशन होंगे। अब इसके बाद इसका ग्राफ के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज सिखा देता हूँ, उसका नाम है हाफ लाइफ पीरियड। ग्राफ के लिए अलग से वीडियो बनाने का कारण ये है क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग ग्राफ आएंगे, ये जितने टाइप की इक्वेशंस है उतने टाइप के ग्राफ बनेंगे, एक्सपोनेंशियल ग्राफ अलग बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ अलग बनेगा,
तो कम से कम 4 या 5 ग्राफ हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, इसलिए मैं क्या करूंगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की ग्राफ को अलग से बना दूंगा, है ना। तो अब देखेंगे हाफ लाइफ पीरियड। ये था हमारे पास इंटीग्रेटेड वेट लॉ। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, कभी कभी घुमाने के लिए क्या कर देते हैं, आर फाइनल को ऊपर लिखा होता है, आर नॉट को नीचे लिखा होता है। जब भी आर फाइनल ऊपर और आर नॉट नीचे होगा उस केस में यहाँ बाहर माइनस लिखा हुआ आएगा, तो कुछ भी कर सकते हो। देखिए कैसे, यहाँ पे आर एफ की वैल्यू क्या हो सकती है, आर नॉट माइनस एक्स भी हो सकती है, हमने पिछली बार कहा था ना। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, कई बार बोर्ड एग्जाम में वो फॉर्म इस तरह से करके देता है कि के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जब भी आप आर नॉट की लिखोगे तो आर नॉट की जगह पे ए लिखा हुआ है और आर एफ की जगह पे ए माइनस एक्स लिखा हुआ है, बस यही करना है, बाकी पूरी वैल्यू एडजस्ट ही करनी है। अक्सर वो बोर्ड एग्जाम में ऐसे करके देता है, यहाँ पे लॉग भी लिखा हुआ होगा, लॉग करके ऐसे। तो खैर हमें हाफ लाइफ पीरियड के लिए निकालना है, तो कैसे करेंगे, इफ t इक्वल टू टी हाफ देन आर फाइनल इक्वल टू आर इनिशियल अपॉन टू, इसको उठा के यहां पुट कर दीजिए वैल्यू, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन t हाफ log r नॉट तो ऐसे रहेगा अपॉन आर नॉट अपॉन टू। अब क्या कर सकते हैं, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, इस टू को उठा के ऊपर डाल दीजिए, तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग टू। अब लॉग की वैल्यूज भी आपको पता होनी चाहिए, लॉग टू की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। देखो केमिस्ट्री के अंदर जब भी आप केमिकल काइनेटिक्स सॉल्व करोगे तो आपको लॉग टेबल या तो देखनी आनी चाहिए, लॉग टेबल देखनी नहीं आती है तो लॉग की वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए, है ना। लॉग की वैल्यू के लिए भी मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दे दूंगा जिसमें विदाउट टेबल आप लॉग की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लोगे। तो लॉग टू की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। तो के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ, लॉग टू की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, ये कर दीजिए और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो k इक्वल टू कितना आएगा 0.693 अपॉन टी हाफ, इसको उठा के इधर ले आइए, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन k। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, टी हाफ निकाल सकते हो। तो यहां पे क्या है कि जो टी हाफ की वैल्यू है फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो ध्यान रखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि जो हाफ लाइफ पीरियड है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। इस तरह से हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर निकालना हमने सीख लिया है। अब हमें थोड़ा सा लॉग के बारे में पढ़ना है कि लॉग क्या होता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता होगा, खास करके बायो के बच्चों को, इसलिए मैं थोड़ा सा लॉग के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, एक तो जब मैं ln लिखूंगा, ln का मतलब है बेस e और log का मतलब है बेस 10। तो ln x इक्वल टू सपोज y है कहीं पर भी और हमें एंटी लॉग निकालना है, तो x इक्वल टू, देखो ln x इक्वल टू अगर y है तो x इक्वल टू क्या होगा, इसका बेस e होता है e की पावर y। फिर देखो ln p इक्वल टू अगर q है तो p इक्वल टू क्या होगा, e की पावर q। ln y इक्वल टू कुछ भी है, सपोज z है तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, e की पावर z। दूसरी बात, यही चीज अगर log पर है, log log x इक्वल टू y है, उस केस में अगर x निकालना है तो क्या होगा 10 की पावर y। ये जो y है ना वो 10 की पावर पे चला जाएगा। अगर log p इक्वल टू q है
उस केस में अगर मुझे पी निकालना है तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर क्यू निकल जाएगा। तो एक तो एल एन को पता होना चाहिए, एक एल ओ जी पता होना चाहिए। अब तीसरी चीज, अगर मुझे एल एन और एल ओ जी, एल एन को एल ओ जी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूंगा कि सपोज मेरे पास एल एन एक्स है और मैं इसको एल ओ जी में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैं 2.303 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2.303 लॉग एक्स किसी भी वैल्यू को। मेरे पास एल एन पी है और मैं इस एल एन पी को एल ओ जी में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो 2.303 लॉग पी। एल एन को एल ओ जी में कन्वर्ट करना है क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन जो हमारी होगी वो एल ओ जी पर होगी। जो टेबल आप देखोगे वो टेबल में एल ओ जी बेस 10 पर वैल्यू निकलती है हमारी मैक्सिमम, तो आपको एल ओ जी पर ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप इंटीग्रेशन करके आते हो तो वहां पे आपके पास एल एन में वैल्यू निकलती है, तो एल एन को एल ओ जी में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। इस तरह से हम कर सकते हैं। एल एन और एल ओ जी के प्लस और माइनस दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं, तो कैसे करना है वो देख लीजिए। देखो एल एन एक्स प्लस एल एन वाई कहीं पर ये लिखा हुआ है, तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एन एक्स वाई, एल एन एक्स प्लस एल एन वाई इक्वल टू एल एन एक्स वाई। ये एल ओ जी पर भी लागू होगा, एल ओ जी एक्स प्लस एल ओ जी वाई इक्वल टू एल ओ जी एक्स वाई। एल एन एक्स माइनस एल एन वाई, जो माइनस वाला है वो नीचे डाल दो, एल एन एक्स अपॉन वाई। अगर आपके पास एल एन एक्स की पावर एन है तो उस केस में क्या होगा, इस पावर को आगे लेके चले जाओ, एन एल एन एक्स, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो कभी कभी इस फॉर्मूले को यहां से ऐसे यूज करना पड़ेगा, मतलब ये आपके पास गिवन होगा और ये आपको यूज किया जाएगा, तो यहां से यहां भी जा सकते हैं, यहां से इधर भी जा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है। बेसिकली पावर में अगर है तो पावर को इनिशियल में उठा के ले आओ, एन एल एन एक्स, ये सारी चीजें यूज होंगी। इसके अलावा लॉग की कुछ वैल्यूज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, आप नोट भी कर सकते हो। लॉग टू की वैल्यू कितनी होगी, 0.3010 जो सबसे ज्यादा यूज होती है। लॉग वन की वैल्यू कितनी होती है, 0। लॉग वन 0, लॉग टू 0.3010, लॉग थ्री 0.4771, ठीक है ना। फिर चलो मैं बता ही देता हूं, देखिए लॉग वन कितना होगा, 0। लॉग टू कितना होगा, 0.3010। याद कर लीजिए, कैलकुलेशन अगर फास्ट करनी है तो ये सब कुछ याद करना पड़ेगा। लॉग थ्री कितना होगा, 0.4771। लॉग फोर याद है तो ठीक है, 0.6020 होता है, याद नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लॉग फोर को मैं कैसे निकालूंगा, लॉग टू की पावर 2, फिर इस 2 को आगे ले आओ, 2 log 2, ये वाले फॉर्मूले से, और फिर इसको लिख सकता हूँ 2 × 0.3010, तो ये हो जाएगा 0.6020, इस तरह से log 4 निकलेगा। फिर log 5, log 5 की जो वैल्यू होगी वो होगी 0.699। log 6, log 6 आप खुद निकाल सकते हो कैसे, log 2, log 6 है ना, तो log 2 × 3 लिख सकता हूँ मैं इसको, फिर ये आगे क्या होगा, log 2 प्लस log 3, तो log 2 प्लस log 3, अब log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771, तो आप दोनों को ऐड कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वो log 6 की आएगी। इसी तरह से log 7 की वैल्यू, log मैं log के ऊपर पूरी एक सेपरेट वैल्यू पूरा वीडियो ही बना दूंगा सेपरेट, एक कि log 7 कैसे निकालना है, log 8, log 8 आप निकाल लेंगे log 4 × 2 करके, फिर log 9, log 3 की पावर 2, log 10 1 होता है, फिर 11, 12, 13, 14 या पॉइंट में log 1.7, 1.8 ये किस तरह से निकालना है, तो इसके लिए बिना टेबल देखे एक अप्रॉक्सीमेट फार्मूला होता है उससे हम निकालने की कोशिश करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या कोई स्पेशल वीडियो बना के दे दूंगा। तो ये था हमारे पर फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर पूरी कॉन्सेप्ट।